अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जताया है और कहा है कि इस हमले को किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो ये आतंकी हमला कभी ना होता। इस हमले के बाद से अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन घिरे हुए हैं। अमेरिका में एक बड़ा वर्ग बाइडेन पर निशाना साध रहा है। अमेरिकी सोशल मीडिया पर लगातार बाइडेन के खिलाफ पोस्ट किए जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में अब तक 13 अमेरिकी जवानों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अफसोस जताते हुए कहा कि हमारी संवेदनाएं उन निर्दोष नागरिकों के परिवारों के साथ हैं जो काबुल हमले में मारे गए। इस त्रासदी को कभी नहीं होने देना चाहिए था। ये हमारे दुख को और गहरा बनाता है। अगर मैं आपका राष्ट्रपति होता तो ये हमला कभी नहीं होता। भगवान अमेरिका का भला करे। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद अब तक 13 अमेरिकी जवानों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का नया अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी यानी ABC के मुताबिक एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर कार बम ब्लास्ट का खतरा है। अमेरिकी जवानों की मौत के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आतंकियों को ढूंढ-ढूंढ कर मारा जाएगा। अब अमेरिका ISIS पर हमले की तैयारी कर रहा है। जो बाइडेन ने कहा कि हमारा मिशन जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो हम फिर से और अमेरिकी फौज अफगानिस्तान भेजेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के नए प्रधानमंत्री के बीच होने वाली पहली बैठक का कार्यक्रम टाल दिया और अफगान शरणार्थियों के बारे में गवर्नरों के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया। वहीं हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमलावरों को माफ नहीं करेंगे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाकों की जिम्मेदारी ISIS के खुरासान मॉडल ISKP ने ली है। इससे ये भी खतरा है कि अब अफगानिस्तान तालिबान और ISIS के अफगान चैप्टर के बीच वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बन सकता है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।